वट्स एप एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल तो गाइज अब हम शुरू करने जा रहे हैं द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पीवाई क्यूज भी आ जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिचर्स के साथ मुझे उम्मीद है आपने कल इशू ऑफ डिवेंचर्स और कैश फ्लो अच्छे से देखा होगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं चलिए लेट्स बिगे स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और क्या है क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में है एक सेकेंड बस पेन आ जाए हमारे पास रोज लिमिटेड इशू टेन थाउजेंड टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ हंड्रेड इच पेबल एज फॉर रोज़ देखो सबसे पहले यह समझ जाना कि जो टेन परसेंट है दिस इज जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्वेश्चन से कोई लेन देन नहीं होता ठीक है टेन रुपीज एप्लीकेशन पे है ट्वेंटी अलॉटमेंट पे है थर्टी फर्स्ट कॉल पे है फोर्टी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है ठीक है जी दस हजार डिवेंचर्स है सौ रुपए का एक है कैसे कैसे पैसा मिलना है ट्वेंटी सबसे पहले है दस फिर बीस फिर तीस और फिर चालीस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी अरुण हु होल्ड फाइव हंड्रेड डिवेंचर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अरुण जिसके पास पांच सौ डिवेंचर्स है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया हाउवर पेज दिस अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल ये अमाउंट उसने कहाँ पे दे दिया फर्स्ट कॉल पे दे दिया ये लाइन स्पेशल है इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्वेश्चन का पर्पज क्या है कि यही अलग है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था और वही पैसा उसने कब दे दिया फर्स्ट कॉल पे दे दिया दिनेश हुई हंड्रेड डिवेंचर पेड ऑल द कॉल्स इन एडवास पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट दिनेश जिसके पास आठ सौ डिवेंचर हैं इसने अलॉटमेंट पे ही दोनों कॉल्स भी दे दी तो एरियर भी है और एडवांस भी है और जो एरियर हुआ वो भी बाद में वैसा मिल गया ठीक है तो चलो शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज आपको करनी है सबसे पहली एंट्री क्या बनती है सबसे पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टेन परसेंट डिवेंचर्स यहाँ सब जगह दस परसेंट लगा देना क्योंकि वो टेन परसेंट है ना वो हर जगह बस आपको लगाना है ठीक है तो दस हजार डिवेंचर्स थे दस रुपए का एक था टेन थाउजेंड इंटू टेन वन लैख वन लाख उसके बाद हम अलॉटमेंट मांगेंगे ठीक है तो अलॉटमेंट पे क्या होने वाला है डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ठीक है जी बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मर गया उसको हम क्या बोलते हैं कॉल इन एरियर्स तो आपकी इच्छा है या तो आप कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर सकते हो या आप नॉर्मली भी कर सकते हो तो मैं जनरली करके चलता हूं बैलेंस में लिख लूंगा ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस जो पैसा एडवांस में आया ठीक है आप देखो कितना पैसा चाहिए था दस हजार पे ट्वेंटी दस हजार पे ट्वेंटी कितना बैठ जाएगा दो लाख रुपए तो दो लाख दो लाख यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट में तो दो लाख ही आएगा एडवांस कितना आया है एडवांस आया है हमारे पास आठ सौ डिबेंचर पे थर्टी और फोर्टी आठ सौ डिवेंचर पे तीस रुपए एक आठ सौ डिवेंचर पे चालीस रुपए एक ठीक है तो एट इंटू सेवन छप्पन हजार रुपए हमारे पास एडवांस आ गए ठीक है और कुछ यहां पे एरियर भी हुआ है तो देखो मिलना कितना था हमें मिलना था टू लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है अब अगर यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप कॉल सी एरियर अकाउंट ओपन करते हो तो आप यहाँ कॉल सी एर लिखोगे अगर आप ओपन नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है कि दो लाख में से जो एरियर हुआ वो हटा दो, दो लाख में से कितना एरियर हुआ एरियर हुआ ये पाँच सौ डिपेंचर पे बीस पाँच सौ पे बीस यानी कि दस हज़ार रुपये का एरियर हो गया तो यहाँ पे आप लिखोगे दो लाख नहीं वन नाइन्टी सर ये वन नाइन्टी कैसे आया अलॉटमेंट पे कि अलाटमेंट पे हमारे को दो लाख रुपए मिलने थे दो लाख में से दस हज़ार का एरियर हो गया तो मिला कितना वन नाइन्टी प्लस फिफ्टी सिक्स तो हमें रिसीव हुआ टू फोर्टी सिक्स थाउजेंड सीधा सीधा दो लाख चालीस हज़ार रुपये हमें मिल जाएंगे ठीक है जी परफेक्ट है अब हम मांगते हैं फर्स्ट कॉल ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे तो क्या करोगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ठीक है डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर दस हजार रुपये तीस दस हजार रुपये तीस यह आ गया तीन लाख तीन लाख अब जब रिसीव हो रहा है बच्चे तो यहां पे ध्यान रखना कि रिसीव के टाइम पे एक तो ये पुराना ही पैसा मिलेगा अलॉटमेंट वाला तो यहां क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट क्या क्या आएगा बैंक में एक तो पहला पैसा टू डिवेंचर अलॉटमेंट सर कौन सा डिवेंचर अलॉटमेंट ये दस हजार तो यहां पे नहीं मिले थे एक तो ये मिलेंगे हमें टू डिचर फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल पे हमें कितना लेना था तीन लाख रुपए लेने थे और जो एडवांस आपका पहले से आ गया था उसको आपको वापस से यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा तो बैंक को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट सर कौन सी कॉल देखो इसके अंदर छप्पन हजार रुपए में आठ सौ इंटू तीस चौबीस हजार रुपए इस कॉल के थे चौबीस हजार इस कॉल के थे या नहीं थे तो तीन लाख दस हजार में से आपको सिंपली चौबीस हजार रुपए हटा देने हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे पास टू एट्टी सिक्स टू एट्टी सिक्स आपको यहां पे रिसीव हो जाएगा ठीक है जी परफेक्ट बस अब आपको सेकंड कॉल मांगना है सेकंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे याद रखना ये कौन सा पैसा है ये डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा है ओके okay, परफेक्ट हो गया अब अगर आपने यहाँ पे कॉल्सिंग एरियर ओपन किया था कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सी एरियर्स अकाउंट डेबिट तो फिर यहाँ पे टू कॉल्सिंग एरियर्स लिख देते हैं राइट right, इस बात का ध्यान रखना है सही है जी अब हम क्या करते हैं हम मांगते हैं सेकेंड और फाइनल कॉल कहाँ लिखूँ मैं स्क्रीन लो फिर मैं फर्स्ट कॉल वाला ऊपर वाला पार्ट हटा दूंगा या यहाँ लिख देता हूँ डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिवेंचर बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना हो गया दस हजार पे चालीस दस हजार पे चालीस चार लाख चार लाख यहाँ पे भी चार लाख आठ सौ पे चालीस बत्तीस हज़ार तो ये आ जाएगा थ्री सिक्सटी एट थ्री सिक्सटी एट थाउजेंड इसका जल्दी से फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लो एंड दिस इज हाउ आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रेडी ठीक है जी अब चलते हैं हम सेकेंड पे नेक्स्ट क्या है BGP Limited invited applications for issuing पंद्रह हज़ार डिवेंचर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड ईच आओ सर शुरू करें कितने डिवेंचर्स हैं हमारे पास 15,000 हजार डिवेंचर्स हैं सौ रुपए का एक है एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर ठीक है 15,000 हजार डिवेंचर हैं 100 का एक है पचास रुपए पर डिवेंचर का प्रीमियम है राइट right, 100 प्लस फिफ्टी अब हुआ क्या है द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन सब कुछ एप्लीकेशन पे ही आएगा बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आया पच्चीस हजार पे ठीक है एप्लीकेशन फ़ॉर पाँच हज़ार डिवेंचर्स व रिजेक्टेड ठीक है पच्चीस हज़ार में डिवेंचर आया अब पच्चीस हज़ार वालों को पंद्रह हज़ार देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने इशू ही पंद्रह हज़ार करे थे तो मैं मैक्सिमम कितने डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर दे सकता हूँ फिफ्टीन थाउजेंड को लेकिन कंपनी से लोग कितने डिवेंचर मांग रहे हैं पच्चीस हज़ार कैसे देंगे भाई दे ही नहीं सकता मैं मैक्सिमम दे पंद्रह हज़ार सकता हूँ कंपनी ने क्या करा कंपनी ने करा पाँच हज़ार डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड फाइव थाउजेंड को तो कुछ नहीं दिया फाइव थाउजेंड को कर दिया निल इनको कुछ नहीं दिया इनको कर दिया नील उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है डिवेंचर फॉर अलॉटेड टू रिमेनिंग ऑन प्रोराटा एप्लीकेटिस बाकी का कर दिया प्रोराटा यानी कि बीस वालों को कितने दे दिए पंद्रह दे दिए ठीक है आप सब कुछ एप्लीकेशन पे है तो प्रोराटा करके भी क्या करेंगे चलो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट याद रखो जब भी कंबाइन होता है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन करते हैं सब कुछ एप्लीकेशन पे ही होता है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिचर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर राइट अब देखते हैं हमारे पास कि पैसा कितना आया है हमारे पास पैसा आया है पच्चीस हजार डिवेंचर्स पे लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि प्रीमियम भी था भैया हंड्रेड प्लस फिफ्टी ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम एज वेल राइट देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सर प्रीमियम कौन सी एंट्री में लिखते हैं प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली या ट्रांसफर वाली एंट्री में लिखते हैं कभी भी प्रीमियम बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं आएगा बैंक वाली एंट्री में सिर्फ टोटल अमाउंट आएगी ठीक है तो आपको कितना पैसा मिलेगा आपको पैसा मिलेगा पच्चीस हज़ार डिवेंचर पे पूरे के पूरे डेढ़ सौ रुपये हंड्रेड प्लस फिफ्टी पच्चीस हजार रुपये डेढ़ सौ ठीक है अब देखो ये तो पूरा आएगा थर्टी सेवन लाखेंड राइट आप डिवेंचर में क्या अमाउंट भरोगे जितने आपने एक्चुअल में डिवेंचर आपको चाहिए थे कितने डिवेंचर चाहिए थे हमें चाहिए थे पंद्रह हजार पंद्रह हजार पे सौ पंद्रह हजार पे ही पचास का प्रीमियम हम रखेंगे बाकी सब हम रिफंड कर देंगे बाकी सब हम डालेंगे बैंक में सब रिफंड कर देंगे क्योंकि सब कुछ ही एप्लीकेशन पे हुआ है तो जितना भी पैसा बचेगा सारा का सारा आप रिफंड कर दोगे पंद्रह हजार पे सौ पंद्रह लाख तो ये हो गया पंद्रह हजार पे पचास पंद्रह हजार पे पचास साढ़े सात लाख ये हो गया साढ़े सात लाख पंद्रह लाख सैतीस लाख पचास हजार फिफ्टीन लाख वापस हो जाएंगे फिफ्टीन लाख ,00 हो जाएंगे हमारे पास से वापस तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिवेंसर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी बाकी सब सारा ही पैसा ये हो जाएगा रिफंड ठीक हो गया बात समझ आ गई अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है लेट्स मूव टू क्वेश्चन ऑफ हंड्रेड ईच एट अफ टेन परसेंट ठीक है जी आठ हजार डिवेंचर हैं। सौ रुपए का एक था दस परसेंट के डिस्काउंट पे तो नाइनटी में हो गया द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन सब कुछ ही एप्लीकेशन पे आना था वापस से एप्लीकेशन आए 9000 हजार डिवेंचर्स के लिए ठीक है तो 9000 वालों को 8000 देने पड़ेंगे अब एनी हाउ 9000 वालों को 8000 देने पड़ेंगे अलॉटमेंट वो मेड ऑन प्रोराटा बेसिस सबको प्रोराटा कर दिया गया एंट्री करके दिखाओ ठीक है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर और जो पैसा वापस करना पड़ेगा वो है टू बैंक अब सर कैसे पता लगेगा कहाँ पे क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। पैसा आया नौ हजार डिवेंचर पे नौ हजार पे नाइन्टी नौ हजार डिवेंचर पे नाइन्टी रुपीज आठ लाख दस हजार रुपये आपको रिसीव होंगे ठीक है आपको कितना पैसा मिल जाएगा आठ लाख दस हजार अब आपको क्या करना है आपको देखना है कि टोटल में आपको कितने डिवेंचर पे पैसा चाहिए था आठ हजार पे तो हम लिखेंगे भाई यहाँ तो सेम आठ लाख दस हजार अब आपको यहाँ कितना चाहिए था आपको चाहिए था आठ हज़ार पे दस रुपये का डिस्काउंट आठ हज़ार पे अब यहाँ पे इस पॉइंट का ख़ास तौर पे ध्यान रखना कि डिवेंचर में हमेशा पूरा अमाउंट आता है कि यहाँ पे हंड्रेड ही रहने वाला है सौ पे दस का डिस्काउंट दिया तभी तो यहाँ पे नाइन्टी के हिसाब से पैसा आया होगा ठीक है ना तो अस्सी हज़ार पे दस ये तो हो जाएगा आठ हज़ार रुपये दस ये तो आपका हो जाएगा एट्टी थाउजेंड और आठ हज़ार रुपए सौ ये हो जाएगा आपका एट लाख और एट लाख में से एट नाइन्टी तो नब्बे हज़ार आपको रिफंड करने पड़ेंगे सर ये नाइन्टी थाउजेंड हम किसके वापस कर रहे हैं बैंक को क्रेडिट कब करते हैं जब पैसा वापस कर रहे होते हैं जब पैसा मिलता है तो बैंक डेबिट होता है ठीक है क्रेडिट कब होता है जब पैसा वापस कर रहे हो तो सर पैसा किसका वापस कर रहे हैं देखो एक एक्स्ट्रा आए थे ना एक हज़ार फालतू आए थे एक पे पर नाइन्टी नब्बे हज़ार वापस करोगे या नहीं करोगे तो दिस इज आओ ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से नेक्स्ट पे चलते हैं

एसेट्स और लाइबिलिटीज यानी ये तो पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा एक होता है हमारे पास जिसके अंदर एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं एक आधा मशीन खरीदा या कुछ खरीदा तो वहाँ भी ऐसा ही होता है बस याद रखना इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं या तो कोई एसेट खरीदा होगा या पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया होगा चलता चलाया अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक का सबसे ज्यादा इंडिया सवाल यही है वीनस लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ रुपीज टेन लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज वन लाख एट्टी थाउजेंड फ्रॉम केन्स लिमिटेड वीनस ने एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदे हैं केन्स के आगे का लिखा है, कितने में? में. ये क्या लाख साठ हजार में तय होता है, 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 कि है. Okay. इशू करें नौ परसेंट डिवेंचर इसके बदले में ठीक है जी आप देखते ही समझ गए कि ये टॉपिक कौन सा है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आपने कोई सामान खरीदा है और उसके बदले में पैसे ना दे के डिवेंचर दे दिए ठीक है तो क्या बनता है क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे हम करेंगे सभी एसेट्स अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू केन्स लिमिटेड सबसे पहले एसेट्स कितने के थे एसेट्स से दस लाख रुपए के लाइबिलिटीज कितने की थी लाइबिलिटीज थी वन एट्टी की अब देखो अगर देखा जाए तो दस लाख के एसेट्स वन एट्टी की लाइबिलिटी तो बिजनेस की क्या वैल्यू बैठती है बिजनेस की वैल्यू बैठती है आठ लाख बीस हजार दस लाख में सेवन एट्टी हटाऊं तो आठ बीस वाला बिजनेस आप कितने में ले रहे हो सात साठ में आप कितने में ले रहे हो सेवन सिक्सटी में तो एट ट्वेंटी वाला बिजनेस अगर आप सेवन सिक्सटी में ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है एट ट्वेंटी वाला बिजनेस अगर आप सेवन सिक्सटी में ले रहे हो तो आपको साठ हजार का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा है ना उस सिक्सटी थाउजेंड को या तो आप ऐसे पहचान सकते हो अगर ना पहचान पाओ तो दोनों को कंपेयर कर लेना देखो इधर कितना बन रहा है नौ लाख चालीस हजार और यहाँ बन रहा है दस लाख है ना तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो जब भी इधर डिफरेंस आता है तो हम उसको किस नाम से लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व ये पैसा जाएगा सीधा कैपिटल रिजर्व में सिक्सटी थाउजेंड इसका ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है अगर यही डिफरेंस डेबिट में आ रहा होता तो मैं उसको गुडविल के नाम से लिख देता यानी ये वाली साइड ज्यादा आ रही होती इधर वाली कम थी तो मैं उसको गुडविल लिख देता ठीक है चलो नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास एसिड डेबिट टू लाइब्रिटी टू कीन्स लिमिटेड इसके बाद क्या है लिमिटेड डेबिट क्या दिया है आपने इन्हें अब ये देख लो डिबेंचर दिया और डिस्काउंट पे दिए हैं तो हमें यहां पे डिस्काउंट करना पड़ेगा मेंशन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ठीक है नंबर ऑफ डिवेंचर बच्चे निकालने पड़ेंगे सबसे पहले अमाउंट भरने के लिए कैसे निकलते हैं अमाउंट पेबल जो भी पैसा देना है कितना पैसा देना है सात लाख साठ हजार डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ डिवेंचर वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है हंड्रेड वाला डिवेंचर पांच परसेंट के डिस्काउंट पे तो हंड्रेड वाला डिवेंचर अगर पांच के डिस्काउंट पे है तो नाइन्टी हो गया तो ये आ गया सेवन सिक्सटी थाउजेंड डिंचर्स आ गए एट थाउजेंड डिवेंचर्स निकला है ये वन मार्क के लिए भी आ सकता है नंबर ऑफ डिवेंचर याद रखना कैसे निकलता है अमाउंट पेबल जितना पैसा देना है डिवाइड बाय द वैल्यू वैल्यू कैसे निकालिए नाइन्टी फाइव कैसे निकाला सौ का डिवेंचर था पांच परसेंट का डिस्काउंट था प्रीमियम हो तो प्लस करके लिख देना ठीक है तो यहां पे क्या लिख देंगे हम आठ हजार डिवेंचर है ना तो आठ हजार इंटू हंड्रेड आठ हजार इंटू फाइव ये हो जाएगा आठ हजार इंटू नाइनटी फाइव ओके ये आ जाएगा आठ लाख फोर्टी थाउजेंड या आ जाएगा सेवन सिक्सटी थाउजेंड अपने आप ओके okay, जी तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर उसके बाद दोनों को कंपेयर करो डिफरेंस अगर डेबिट में आए तो गुडविल क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व फिर पेमेंट देख लो कैसे कराए क्या डिवेंचर डिस्काउंट पे दिए हैं क्या डिवेंचर प्रीमियम पे दिए हैं क्या डिवेंचर पार पे दिए हैं स्क्रीन लो सॉर्टेड चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर डिवेंचर से और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ये देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये क्या लिखा है इस क्वेश्चन में आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिवेंचर ऑफ रूपीज एक लाख विच वर इशूड एज फलोज एक लाख रुपए के डिवेंचर हैं जो इशू करे गए हैं एक दो तीन तीन तरीके से ठीक है एक लाख रुपए के डिवेंचर है ना ये यस ये? सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर कैश एट 90%. परसेंट पचास हजार वाले 90% परसेंट पे यानी डिस्काउंट पे हो गए ये तो सही है तो ये तो हो गए एक तरह से 90% परसेंट पे पब्लिक को ठीक है फॉर क्रेडिटर फॉर रुपीज बीस हजार एक बीस हजार का क्रेडिटर है इसको कितने के डिवेंचर दिए हैं पच्चीस हजार के ठीक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के डिवेंचर हमने एक राइटर को दे दिए फिफ्टी और ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव हो गया आप कितने बचे पच्चीस ट्वेंटी फाइव हमने दिए बैंकर को फॉर अ लोन ऑफ पंद्रह हजार ठीक है पच्चीस हजार हमने बैंकर को दे दिए जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली सही है जी परफेक्ट है स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल एंट्री करना सबसे पहले तो पब्लिक में इशू करे गए हैं पचास हजार वाले नब्बे परसेंट पे तो डिस्काउंट पे हो गया तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर ठीक है अब चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले डिवेंचर डिवेंचर थे जी पचास हजार रुपए के डिवेंचर कितने के थे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ के टेन परसेंट का डिस्काउंट है तो पाँच हज़ार का डिस्काउंट हो गया फोर्टी फाइव हो गया इसका नाइन्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट पर हमने जनता में इशू करे थे देखो ऐसे ही करते हैं अगर लिखा हुआ है कि पचास हज़ार वाली चीज़ नाइन्टी परसेंट में दी गई है तो पचास हजार का नाइन्टी परसेंट क्या बैठेगा फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक हो गया नेक्स्ट क्या है ये तो फर्स्ट केस हो गया फॉर कैश वाला पार्ट डन अब क्रेडिटर को दिए हैं क्रेडिटर को दिए हैं तो हमने कुछ ना कुछ एसेट खरीदा होगा उससे है ना तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कितने का एसेट खरीदा उससे बीस हजार रुपए का सही है अब आपने क्रेडिटर को क्या दिया है डिबेंचर दिया है वो भी पच्चीस वाला पच्चीस वाला बीस में दिया है तो डिस्काउंट पे हो गया क्योंकि तो इसके तो बीस रुपए देने थे तो हमने पच्चीस वाला बीस में दिया तो डिस्काउंट आ गया बाकी क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर्स ठीक है डिवेंचर कितने के थे ट्वेंटी फाइव के पाँच हजार का डिस्काउंट निकल आएगा ये मैंने बैलेंस में निकाला ट्वेंटी यहाँ आ जाएगा ये पाँच कैसे निकाला मैंने बैलेंस में सर कैसे बैलेंस में आपको कैसे पता लगा देखो ट्वेंटी देने थे ना और डिवेंचर है ट्वेंटी फाइव वाला तो कितना आ गया डिफरेंस पाँच हज़ार आ गया वो डिस्काउंट है ये भी हो गया जी उसके बाद हमने एक लोन लिया है पंद्रह हज़ार रुपये का लोन लेने की एंट्री क्या है बेसिक्स में सिखाई मैंने आपको लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितना लोन लिया रुपीज का इस थाउजेंड के बदले में हमने कोलेट्रल लिखवाया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का उसको हम क्या बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर

ये क्रेडिटर को दे दिया एज अ कोलेटरल सॉरी एज अ कंसिडरेशन देन कैश ये बैंकर को दे दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो ये आपको बड़े ध्यान से देखना है जनरल एंट्री हमें पास करनी थी एंड कंपनी का पॉलिसी है कि जितने भी कैपिटल लॉस है वो कंपनी राइट ऑफ कर देती है पहले साल में ही तो लॉसेस हमें कितने दिखाई दे रहे हैं एक तो ये डिस्काउंट है एक ये डिस्काउंट है बस दो डिस्काउंट है हमारे पास पाँच और पाँच दस हज़ार रुपये का तो उसके लिए हम लोग एंट्री कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक तो ये डिस्काउंट है आपका पाँच हजार रुपये का एक ये डिस्काउंट है आपका पाँच हजार रुपये का तो दस हजार रुपये का हमारा लॉस है जो हम पी एंड एल में लिख देंगे ठीक है जी ये हमें ध्यान रखना है ऑलराइट राइट right, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आ गया हमारे पास एक और बहुत शानदार क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये तुम्हारे एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आ रहा होगा बस ये लिख लो आप अभी आज ही लिख लो सौ परसेंट इस तरीके का केस आपके एग्जाम में आ रहा होगा ये मैं नाइनटी नाइन भी नहीं बोल रहा नाइन्टी एट भी नहीं बोल रहा हंड्रेड परसेंट बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा ठीक है आओ देखें ऑन सेकेंड मार्च एल एंड बी लिमिटेड इशूड छः सौ पैंतीस नाइन परसेंट डवेंचर ऑफ पाँच सौ ईच ठीक है जी पाँच सौ का डिवेंचर है कितना है वो तो हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे बस कितने का है ये पता होना चाहिए पाँच का डिवेंचर है एंट्री पास करो सबसे पहला अगर डिवेंचर इशू डाइव परसेंट डिस्काउंट यानी डिवेंचर इशू जो करा गया था पांच परसेंट के डिस्काउंट पे तो पाँच सौ का पांच परसेंट कितना बैठता है पच्चीस रुपये तो फोर सेवेंटी फाइव में तो इशू करा गया था रिडीमेबल एट टेन परसेंट प्रीमियम रिडीम कितने में हो रहा है दस परसेंट के प्रीमियम पे

डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर यह हमारे पास एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ऑटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशनमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर सही है अब देखो आपको क्या करना है अब जब पूरी एंट्री हो जाए उसके बाद आपको देखना है कि रिडीम कितने में हुआ पांच वाला पांच में क्या फिफ्टी का एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन रिडम्शन हो गया उसको आपको यहां पर लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन जितना प्रीमियम ऑन रिडम्शन हो जाए उतना ही लॉस लॉस ऑन इशू डेबिट उतना ही लॉस है ठीक है तो अब देखो इस चीज को अब लिखेंगे कैसे या पहले मैं आपको अमाउंट ही फिल करा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो बिल्कुल भी देखो हमने यह करावा था ना भाई डिवेंचर के कितने पैसे मिले चार सौ पिछहत्तर फोर सेवेंटी फाइव फोर सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का डिस्काउंट हो गया और ये हो गया आपका पूरा पाँच सौ का डिवेंचर डिवेंचर में हमेशा पूरी अमाउंट आती है चाहे आप सस्ते में दो चाहे आप महंगे में दो यानी चाहे डिस्काउंट पे दो चाहे प्रीमियम पे दो डिवेंचर में पूरी अमाउंट आनी है ओके अब प्रीमियम ऑन रिडेमशन कितना है अब देखो आपको एकदम समझ में आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्शन है एक्स्ट्रा पचास वो आपको अलग से यहाँ पे लिखना है लॉस लॉस ऑन इशू डेबिट कितना पचास अब देखो डिस्काउंट हो या लॉस हो दोनों जाना तो पी एंड एल में ही है राइट तो इन दोनों को अलग अलग ना लिख के हम लोग यूजुअली एक एंट्री कर देते हैं मतलब इन दोनों को अलग अलग ना लिख के बस एक ही एंट्री कर देते हैं लॉस ऑन इशू डेबिट लेकिन ये जो लॉस ऑन इशू डेबिट है ना इसमें दो अमाउंट आते हैं फिफ्टी और ट्वेंटी फाइव यानी सेवेंटी फाइव ये याद रखना बना कैसे है ये दो चीजों से एक तो डिस्काउंट तो है ही और एक लॉस ऑन इशू भी है इन दोनों को करके बस लिख दिया, ठीक है? अब कर लो कितने छे सौ पैंतीस इंटू फोर सेवेंटी तीन लाख एक हजार है जी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम आ जाएगा तीन लाख एक हजार सौ पच्चीस ओके ओके okay, सर उसके बाद छः सौ पैंतीस इंटू फोर सेवेंटी फ़ाइव तीन लाख हजार छः सौ पच्चीस सिक्स थर्टी फाइव अब मैं एक ही साथ कर रहा हूँ ठीक है ये फिफ्टी और ट्वेंटी फाइव को एक साथ कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय सेवेंटी फाइव 625 सिक्स ट्वेंटी फाइव और डिवेंचर में कितना आ जाएगा डिवेंचर में आएगा 635 सौ पैंतीस इंटू पाँच सौ और यहाँ पे कितना आ जाएगा छः सौ पैंतीस मल्टीप्लाइड बाई पचास थर्टी वन थाउजेंड सेवन फिफ्टी अब अगर हम मैच करें थर्टी वन थाउजेंड सेवन फिफ्टी प्लस थ्री वन सेवन फाइव डबल ज़ीरो थ्री फोर नाइन टू फाइव ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो वन सिक्स टू फाइव माइनस फोर सेवन सिक्स फाइव मैच हो गया ठीक है दिस इज हाउ ये एंट्रीज बनती हैं। बस आप नॉर्मल एंट्री करो नॉर्मल एंट्री के बाद इसका ध्यान रखना कि प्रीमियम और रिडेमशन एक्स्ट्रा होता है और जितना होता है उतना ही लॉस डिस्काउंट और लॉस को कंबाइन करके लिख दो ठीक है बेस्ट है चलो नेक्स्ट पार्ट क्या बनता है वैन डिवेंचर फॉर इशू डेड बारह परसेंट प्रीमियम और रिडीम भी प्रीमियम में हो रहा है ओके पाँच सौ पे बारह परसेंट प्रीमियम यानी पाँच सौ साठ में तो इशू हुआ रिडीम दस परसेंट प्रीमियम पे पाँच सौ पचास पे रिडीम हुआ 560 पे इशू हुआ 550 पे रिडीम हो गया चलो शुरू करते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम यही पढ़ा था हमने कि नॉर्मली 500 वाला अगर 560 साठ में इशू हुआ है तो कैसे लिखते हो वो यहाँ पे 560 आपको रिसीव होगा यहाँ पे भी 560, सिक्सटी यहाँ पे फाइव हंड्रेड यहाँ पे सिक्सटी ठीक है अब आपको याद रखना है बस कितना एक्स्ट्रा ये 50 का एक्स्ट्रा इसको क्या बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पन तो इसको क्या लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेमशन पचास और जितना प्रीमियम उतना ही ऊपर लॉस लॉस ऑन इशू डेबिट पूरा पचास ठीक है अब मल्टीप्लाई कर दो बस 635 सौ पैंतीस से इस पूरे को सिक्स थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्योंकि बेटा डिवेंचर 635 सौ पैंतीस ही है 635 सौ पैंतीस तो डिवेंचर है ना चलो सिक्स थर्टी फाइव इंटू सौ साठ थ्री डबल फाइव सिक्स डबल जीरो छः सौ पैंतीस इंटू पचास थ्री वन सेवन फाइव जीरो छः सौ पैंतीस इंटू पांच सौ थ्री वन सेवन फाइव डबल जीरो छः सौ पैंतीस इंटू साठ थ्री एट वन डबल ज़ीरो छः सौ पैंतीस इंटू पचास थ्री वन सेवन फाइव ज़ीरो देखो ये एंट्री बनती है थ्री वन सेवन फाइव ज़ीरो प्लस थ्री एट वन डबल ज़ीरो प्लस थ्री वन सेवन फाइव डबल ज़ीरो थ्री एट सेवन थ्री फाइव ज़ीरो थ्री वन सेवन फाइव ज़ीरो

इस क्वेश्चन आना तय है ठीक है चलो इसका स्क्रीनशॉट लो नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्या है सर जेके लिमिटेड इशूड 8000 हजार डिवेंचर्स रूपीज था एट डिस्काउंट ऑफ सिक्स एट प्रीमियम ऑफ पांच परसेंट आफ्टर थ्री ईयर कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर पास जनरल एंट्रीज फॉर दर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च आओ जी ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसमें हमें इंटरेस्ट की एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी ओके चलो सबसे पहले तो इशू करते हैं आठ हजार हैं थाउजेंड का एक है कितने में इशू करा गया एट अ डिस्काउंट ऑफ छे परसेंट छसेंट का डिस्काउंट यानी साठ रुपए का डिस्काउंट हो गया नौ सौ चालीस में तो इशू हो गया रिडीम कितने में हो रहा है प्रीमियम ऑफ पांच परसेंट ओके एक हजार पचास में रिडीम होगा ये इशू है और ये रिडीम है ऑल राइट right, तो पता चल गया कितने में इशू हो रहा है ये भी पता चल गया कितने में रिडीम हो रहा है आओ शुरू करते हैं सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट अब आपको पता है ना कि मैं डिस्काउंट और लॉस को एक साथ लिखता हूं तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर और क्योंकि ये रिडीम हुआ है प्रीमियम पे तो उसको भी क्या लिखेंगे यहां पे टू प्रीमियम ऑन रिडेमशन अब इस लॉस में दो अमाउंट है एक तो डिस्काउंट की साठ रुपए का डिस्काउंट और एक है आपकी प्रीमियम की पचास का प्रीमियम तो टोटल तो एक सौ दस हो गया ये और राइट चलो शुरू करते हैं आप सबसे पहले सबसे पहले क्या होने वाला है आठ हजार डिवेंचर है और 940 रिसीव हो जाएंगे क्योंकि डिस्काउंट पे हमें 940 मिलते हैं 940 940 डिवेंचर में पूरे 1000 8000 आठ हजार से मल्टीप्लाई करना है बस क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आठ हजार 8000 थाउजेंड डिवेंचर्स पे नौ रुपए मुझे रिसीव हुए 75 फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड लाख ट्वेंटी थाउजेंड सॉर्टेड सेवेंटी फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे यह सेम आ जाता है सेवेंटी फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड लॉस कितना हुआ सिक्सटी प्लस फिफ्टी वन हंड्रेड टेन आठ हजार इंटू वन हंड्रेड टेन एट एट्टी एट एट्टी का लॉस हो रहा है टू तो डिवेंचर आठ हजार इंटू वन थाउजेंड अस्सी लाख ठीक है एंड टू प्रीमियम रिडेपन फिफ्टी इंटू फिफ्टी चार लाख रुपए ये हो गए ओके तो ये हमारे पास एंट्री बन जाती है बेटा जी सबसे पहले तो ये एंट्री है सर किस चीज़ की एंट्री है ये एंट्री है डिवेंचर को इशू करने की इशू ऑफ डिचर की एंट्री है अब आगे क्या है दंपनी इट्स बुक्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन नाइन परसेंट इज पेबल ऑन थर्टी एवरी ईयर कंपनी जो हर साल इंटरेस्ट देती है वो दो बार देती है ऐसा होता है डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है इट इज़ यूजुअली पेड हाफ एडली वो हाफ एडली ही पे किया जाता है ठीक है अब सर कन्फ्यूजन होती है कि डिवेंचर पे अमाउंट कौन सा वाला रहने वाला है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट किस पे आने वाला है तो याद रखना जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा डिवेंचर की वैल्यू पे होता है ऑलवेज कौन सी वैल्यू पे होता है डिवेंचर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिस्काउंट में इशू करा गया है या प्रीमियम पे इशू करा गया है हमें जो ब्याज देना है वो आठ हजार रुपये हज़ार

30 सितंबर और 31 मार्च क्या एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और जब पे करते हैं डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक यही सेम एंट्री आप दोबारा करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक ठीक है सेवन ट्वेंटी का हाफ तीन साठ तीन साठ यहां पे भी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी इंटरेस्ट की एंट्री याद रखना यहां पे भी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी ओके okay, बस अब आपको क्या करना है लास्ट में लास्ट में आपको ये सारे ही खर्चे और लॉसेस क्या करने होंगे राइट ऑफ कर देने होंगे इस साल के तो इस साल के एक्सपेंसेस और लॉसेस में एक तो आपका ये लॉस है और एक आपका इंटरेस्ट है जो आपको राइट ऑफ करना होगा तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू एक तो लॉस लॉस ऑन इशू और एक इंटरेस्ट ठीक है लॉस ऑन इशू तो हो गया आपका आठ लाख अस्सी हज़ार 880 का तो ये राइट ऑफ करना पड़ेगा और 720 का आप इंटरेस्ट राइट ऑफ करोगे तो टोटल 16 लाख रुपए ऐसे होंगे जो आप पी एंड एल में ट्रांसफर कर दोगे ईयर एंड में ठीक है जी कौन कौन से एक लॉस और एक इंटरेस्ट इंटरेस्ट कौन कौन सा तीन साठ तीन साठ सात बीस और आठ अस्सी ठीक है परफेक्ट दिस इज हाउ आपका ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी हो जाता है इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को भी याद रखना दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन जल्दी से ले लो तो लोज आई होप आप लोगों ने डिबेंचर के कुछ क्वेश्चन देख लिए होंगे दीज आर गुड क्वेश्चन से आपको आने चाहिए ये हमने शॉर्ट कर लिए ठीक है अब इसके बाद, इसके बाद बाद अभी डिबेंचर खत्म नहीं करेंगे हम ये तो वो हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अच्छे से आने चाहिए एक पार्ट जो मैंने आपको शेड्यूल में नहीं बताया था प्लान में नहीं बताया था लेकिन मुझे तब तक तसली नहीं होगी जब तक मुझे लगा कि यार पूरा हो गया अभी मैं आपको आज रात को आज रात को नौ बजे एक डिवेंचर का पार्ट और दूंगा जिसमें मैं वो चीजें कराऊंगा जो बच्चे स्किप कर देते हैं जो बच्चे भूल जाते हैं या जो मुझे लगता है कि अभी और होने चाहिए तो एक पार्ट डिवेंचर का और बनाऊंगा जो रात को नौ बजे आएगा वो तुम लोग को बस देखना है अब तुम्हें करना क्या है डिवेंचर के क्वेश्चन कर लिए राइट right? अब तुम लोग को किताब उठानी है एक बार और डिवेंचर को एक बार गो थ्रू कर लेना है कि क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन बन रहे हैं जहां अटक रहे हो उसको कॉमेंट में लिख देना ठीक है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा उस वाला मतलब थोड़ा सा मेंशन कर देना कि इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाओगे तो मैं क्या करूंगा वहां से तो मैं आइडिया ले लूंगा और रात को नौ वाले वीडियो में वो भी कवर कर दूंगा राइट तो एक बार देखो अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ऑल हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करे हैं बट मुझे इंटरनली अभी ऐसा लग रहा है कि हम थोड़े क्वेश्चन और करें तो रात को नौ बजे और करेंगे कोई चिंता वाली बात नहीं है डिवेंचर्स कवर करो बेसिक्स का वन शॉट देखो क्वेश्चन करो रात नौ वाला वीडियो देखना बट उससे पहले कैश फ्लो आ जाएगा आपके पास तो वो भी अच्छे से कवर करके चलना एज पर प्लान चलना तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो